हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5, बिजनेस मैनेजमेंट का फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे टोटल 7 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो तो जहां पर भी लाइन आ जाए, लाइन का मतलब होता है ऑफिसर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और यहां पर है लाइन एंड स्टाफ। तो सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है, काफी बार क्वेश्चन आता है सबसे ओल्ड, सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ। जो लाइन वाला है वो तो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, और लाइन एंड स्टाफ वाला सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब ऑफिसर्स या टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहाँ पर भी लाइन का मतलब यही हो गया स्टाफ। स्टाफ का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज नहीं है, स्टाफ का मतलब है एक्सपर्ट्स, एडवाइस देने वाले। तो लाइन वाले में तो क्या होता है, सभी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होंगे, और लाइन एंड स्टाफ के अंदर भी डिसीजन तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है, एडवाइजर्स एडवाइजर्स है, वो पहले एडवाइस दे देते हैं। फिर देखो अगला है फंक्शनल, और जो एक बार ऊपर वाले में एक चीज और बता देता हूँ, फिर अभी मैं रीडिंग भी लगाऊंगा, प्योर और डिपार्टमेंटल, दो प्रकार का होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्योर वाले में तो क्या होता है, जो वर्क है वो लेवल वाइज डिवाइड कर दिए जाते हैं कि कौन से डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, कौन सा मिडिल लेवल, कौन सा लो लेवल, और डिपार्टमेंटल वाले में डिपार्टमेंट वाइज डिसीजन डिवाइड कर दिए जाते हैं, कौन से डिसीजन परचेज डिपार्टमेंट, कौन से डिसीजन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो प्योर वाले में लेवल वाइज मैनेजमेंट के लेवल वाइज, और डिपार्टमेंटल वाले में डिपार्टमेंट वाइज। फिर देखो फंक्शनल और डिविजनल दो टाइप का होता है। फंक्शनल और डिविजनल में कैसे, जैसे मान लो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड मान लो कि 3 काम करती है, पहला काम मान लो क्लोथ का काम करती है, दूसरा काम मान लो कि मोबाइल का काम करती है, तीसरा काम मान लो पेट्रोल पंप का काम करती है, इस तरीके से अपन ने डिवाइड कर दिया। फिर देखो क्लोथ वाले में क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, एचआरएम भी होगा। इसी तरीके से जो सेकंड वाला कौन सा बताया था मैंने, सेकंड वाला बताया था मोबाइल वाला, उसके अंदर भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसी तरीके से पेट्रोल वाले में भी तीनों होंगे। और एक दूसरा तरीका बताता हूँ, रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया, रिलायंस लिमिटेड ने 3 डिपार्टमेंट बनाए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और एचआरएम। परचेज डिपार्टमेंट वाला तीनों चीजों को देख लेगा, क्लोथ मोबाइल पेट्रोल, सेल वाला तीनों को देख लेगा, और जो ह्यूमन रिसोर्स और जो ह्यूमन रिसोर्स वाला है वो भी तीनों को देख लेगा, क्लोथ मोबाइल और पेट्रोल। तो जो पहला तरीका है ये वाला, इसको तो अपन बोलते हैं डिविजनल, क्योंकि डिवीजन के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवीजन का मतलब प्रोडक्ट लाइन, क्लोथ मोबाइल और पेट्रोल वाइज, और जो दूसरा वाला है उसको अपन बोलेंगे फंक्शनल, फंक्शन के बेसिस पर अपन ने डिवाइड किया है। तो आ गई होगी बात आप लोगों को समझ में, फंक्शनल वाला तो फंक्शन के बेस पर डिवाइड होता है, और डिविजनल वाला प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। फिर अभी थोड़ी देर में मैं रीडिंग लगाऊंगा। फिर दो टाइप का है, प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स, दो चीजें अपन को याद रखनी है। पहली बात तो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वाला अपन तब काम में लेते हैं जब अपने पास बड़े बड़े कम प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट की क्वांटिटी तो कम है और उनकी वैल्यू ज्यादा है प्रोजेक्ट की। जैसे मान लो कि अपने पास 3 ही प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट अपन को कहाँ कहाँ से मिले हैं,
राजस्थान गवर्नमेंट से मिले हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिले हैं और गुजरात गवर्नमेंट से मिले हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए ना, तब तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम मिलेंगे। और जैसे हमारे पास है तो हजारों बच्चे नोट्स मंगवाते रहते हैं, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हो गए, उसके लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम में लिया जाता है। तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो कब कम में लिया जाता है, जब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कम हो लेकिन उनकी वैल्यू ज्यादा हो। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा हो और वैल्यू कम हो। दूसरी बात, मैट्रिक्स वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन करता है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं करता है। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्योर प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट वाला हो गया, और फंक्शनल वाले का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लास्ट है टीम वाले के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज है। ये क्या बोलते हैं, एक टीम बना लो, ग्रुप बना लो जिसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। उसमें कहने का मतलब इनफॉर्मल होगा और साइकोलॉजिकल इमोशनल रिलेशन को अहमियत दी जाएगी। तो एक बार इन सभी की मैं रीडिंग लगा देता हूँ। देखो सबसे पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लाइन का मतलब मैंने क्या बताया, ऑफिसर्स ऑथोरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो सभी काम डरा धमका कर होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा ये एक तरीके से, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर मिलिट्री वर्टिकल। ये नाम याद रखेंगे आप लोग, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर मस्ट बी सिंगल हेड हु कमांड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल हेड होता है और सारे के सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। तो आप लोगों को ये नाम याद कर लेने की स्केलर मिलिट्री वर्टिकल कहते हैं, ये याद रखना है कि ओल्डेस्ट फॉर्म होता है, ये याद रखना है कि यहाँ पर सिंगल हेड होता है, वही सारे डिसीजन लेता है। दो टाइप का होता है, प्योर लाइन और डिपार्टमेंटल। प्योर लाइन इसमें तो लेवल के बेसिस पर करते हैं, डिपार्टमेंटल में डिपार्टमेंट के बेसिस पर। इन दिस सिमिलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एट पर्टिकुलर लेवल, लेवल वाइज डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा काम टॉप लेवल करेगा, कौन सा मिडिल लेवल। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज सेल्फ कंटेंड यूनिट एंड इज एबल टू परफॉर्म द असाइंड एक्टिविटीज विदाउट असिस्टेंस ऑफ अदर्स। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंटायर एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ एक्टिविटीज। ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर वन डिपार्टमेंटल हेड। लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शंस आर वर्टिकल, दैट इज दे फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें डाउनवर्ड होता है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, टॉप टू बॉटम ही होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि फॉर्मल तरीका फॉलो करते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज स्केलर चैन। स्केलर चैन अपन ने काफी ज्यादा बार डिटेल में पढ़ा है, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल था। तो वो स्केलर चैन दो चीजें बताती थी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ अथॉरिटी, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। स्केलर चैन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, इट मीन्स दैट कम्युनिकेशन गोइंग अप एंड डाउन विल पासेज थ्रू इमीडिएट सुपीरियर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन ऑटोक्रेटिक, बताया था तानाशाही रवैया होता है, तो ऑटोक्रेटिक होगा इसके अंदर। ऑटोक्रेटिक एक लीडरशिप स्टाइल होती है, एचआरएम वाले में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। वर्टिकल रिलेशनशिप होता है, वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब कौन सीनियर है कौन जूनियर है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन्स आर द मैनेजर एंड स्टाफ आर द स्पेशलिस्ट, बताया था मैंने, लाइन तो मैनेजर हो गए और स्टाफ का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज नहीं है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, एडवाइजर है। इट रेफर्स टू ए पैटर्न इन विच स्टाफ स्पेशलिस्ट एडवाइस मैनेजर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। एडवाइस आर प्रोवाइडेड टू लाइन मैनेजर बाई स्टाफ पर्सनल हु आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो लाइन वाला है वो तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये लार्ज के लिए है। सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है लाइन एंड स्टाफ, ये लाइन लिखी हुई नहीं है कि ये सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ये आप लोग लिख लेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ का क्या मतलब है, तो एक्सपर्ट हो गए, एडवाइस देने वाले हो गए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शन के बेसिस पर होता है। इट इज क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड कर देते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, इट इज वाइडली यूज्ड इन मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इट वर्क्स बेटर इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज वन मेजर प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट लाइन। ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक ही प्रोडक्ट लाइन है कि अपन केवल पढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, तो केवल
फंक्शनल वाला ही अप्लाई हो सकता है, डिविजनल वाला हो ही नहीं सकता। और यदि मल्टी प्रोडक्ट की कंपनी है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट है, यूनि प्रोडक्ट है, तब तो केवल फंक्शनल होता है। मल्टी प्रोडक्ट है तो दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मल्टी प्रोडक्ट में डिविजनल ज़्यादा बेटर रहता है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन। ये याद रखेंगे कि डिविजनल वाले को ही प्रॉफिट डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ग्रोथ थ्रू जियोग्राफिक एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, दीज डिविजन्स आर, थ्री डिविजन्स आर देयर। प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन, टेरिटोरियल SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इन बेसिस पर अपन डिवाइड कर सकते हैं। इन मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी जियोग्राफिकल एरिया आर कॉम्प्लेक्स डिविजन्स आर क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इट इज सुटेबल टू ऑर्गेनाइजेशन सेविंग सेवरल प्रोडक्ट लाइन। एक छोटी सी चीज और याद रखेंगे, SBU की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। फिर देखो अगला है प्रोजेक्ट और मैट्रिक्स। प्रोजेक्ट में कम क्वांटिटी के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। फ्यूर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर टेकिंग स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट विथ लॉन्ग ड्यूरेशन सो दैट ए सेपरेट डिवीजन कैन बी क्रिएटेड। और मैट्रिक्स में जो चीज़ें बताई वो देख लेंगे, रीडिंग अपने आप लगाएंगे। मैट्रिक्स यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन करता है। प्योर प्रोजेक्ट और फंक्शनल का कॉम्बिनेशन होता है। टीम बेस्ड वाले में कुछ भी नहीं है, टीम बना दी, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही हो, जिस भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर इको में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए उन चीज़ों के वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9024941343 90249 41343। JP गर्ग मेरा नाम है, YouTube पर सर्च करेंगे सबसे ऊपर आएगा। अभी वहाँ पर वीडियो लेक्चर मैंने डाले नहीं है, बहुत जल्द बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर डालने वाला हूँ। नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो नोट्स जरूर परचेज कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।